हेलो बच्चों, वेलकम इन माय क्लास ATS टीचिंग विद तरुण सर। आज हम एनिमल एनाटॉमी का पार्ट टू आपको पढ़ाएंगे। इसमें कुछ मैं स्पेशल क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं और ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्नायु लिगामेंट एवं कंडराएं टेंडन्स कैसे ऊतक हैं, हमें बताना है कि ये कैसे ऊतक है। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो ये क्या है, संयोजी ऊतक है। लिगामेंट और टेंडन्स का काम क्या है कि किसी दो पार्ट को ये जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको संयोजी ऊतक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं, मतलब बोन्स का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं, ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिकाएं अस्थि का निर्माण करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंकाल कैसा होता है ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो कंकाल क्या होता है, मीजोडर्मी होता है। कंकाल मीजोडर्म से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तनियों की अस्थि बोन्स उपास्थि कार्टिलेज से किसकी उपस्थिति में भिन्न होती है, मतलब ये ऐसा पूछ रहा है कि अस्थि में ऐसा क्या पाया जाता है जो उपास्थि में नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाइवर्सियन नलिकाएं ये अस्थि में बोन्स में पाई जाती हैं और उपास्थि कार्टिलेज में नहीं पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के भार का कितना प्रतिशत वसा ऊतक पुरुष तथा स्त्री में निर्मित कर सकते हैं, मतलब कितनी वसा जो है पुरुषों में और महिलाओं में कितने परसेंट उसके वेट का होता है। तो महिलाओं में पुरुषों से थोड़ा ज़्यादा फैट होती है, आपने देखा होगा लेडीज थोड़ा ज़्यादा तगड़ी होती है, मोटी होती हैं, आदमी थोड़ा उतने मोटे नहीं हो पाते हैं। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो पुरुष में 20% वसा निर्मित हो सकती है और स्त्रियों में 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊँट के कूबड़ में वसा का संग्रह क्यों होता है, ऊँट जो होता है उसका आपने कूबड़ देखा होगा और कूबड़ में वसा जो है संग्रहित होती है, उसका एक विशेष कार्य होता है जिसकी वजह से वो कूबड़ में वसा एकत्रित होती है और वो उनके दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है। आइए इसका आंसर देखते हैं क्या है। कूबड़ में संग्रहित वसा तापरोधक स्तर का कार्य करता है, मतलब ये तापरोधक का कार्य करता है, फलतः ऊँट के शरीर में जल की हानि कम होती है। मतलब ये कूबड़ में जो वसा होती है उसकी वजह से ही ऊँट में जल की हानि कम होती है, क्योंकि ये तापरोधक होता है और इसीलिए उनका काम कम पानी में भी चल जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के वसा ऊतक में सामान्य वसा से अधिक ऊर्जा होती है, वसा में वसा ऊर्जा के स्रोत हैं, और भी स्रोत हैं वसा ऊर्जा के, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, अन्न भी हैं, तो वसा भी कई प्रकार की होती है, कौन सी वसा में अधिक ऊर्जा पाई जाती है ये हमें बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भूरी वसा में सामान्य वसा से अधिक ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है, अब हमें बताना है कि बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है वो किस प्रोटीन का बना होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ओसिन एक ऐसा प्रोटीन है जो अस्थि का मैट्रिक्स बनाता है, मतलब अस्थि का मैट्रिक्स ओसिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, मतलब ये पूछ रहे हैं कि बोन्स में कौन सा साल्ट सबसे अधिक होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है ये आपके लिए। कैल्शियम फास्फेट, अस्थि में कैल्शियम फास्फेट साल्ट सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं, अस्थियों में कई तरह के सॉल्ट या लवण पाए जाते हैं,
उनमें से मुख्य कौन है ये हमें बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट ऐसे लवण हैं जो अस्थियों को कठोर बनाने में मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबी अस्थियों के सिरों पर लचीली संधाई गद्दियाँ किसकी बनी होती हैं? तो किसकी बनी होती हैं ये बताना है हमें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उपास्थि कार्टिलेज की बनी होती है। लंबी अस्थियों के सिरों पर लचीली संधाई गद्दियाँ उपास्थि की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? हमने पीछे वो बताया था, हाइवर्सियन नलिकाएं किस में पाई जाती हैं? बोन्स में पाई जाती हैं, ये अस्थि में पाई जाती हैं, उपास्थि में नहीं पाई जाती हैं। चलिए इसका आंसर देख लीजिए अब। केवल स्तनियों की अस्थियों में पाई जाती हैं, मतलब ये मैमल्स के बोन्स में पाई जाती हैं। हाइवर्सियन नलिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? केवल स्तनियों की अस्थियों में हाइवर्सियन नलिकाएँ और तंत्र पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंडोस्टियम किसका महीन तंतु युक्त आवरण होता है? तो किसका होता है भाई ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अस्थि मज्जा के चारों ओर का, अस्थि मज्जा के चारों ओर स्तनियों में, मैमल्स में एंडोस्टियम अस्थि मज्जा के चारों ओर महीन तंतु युक्त आवरण होता है, ये मैमल्स में है, स्तनियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, वॉल्कमैन की नलियां कहाँ पाई जाती हैं? वॉल्कमैन की नलियां कहाँ पाई जाती हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। स्तनियों की लंबी अस्थियों में पाई जाती हैं। वॉल्कमैन की नलियां स्तनियों की लंबी अस्थियों में, लॉन्ग बोन्स में पाई जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंडरा किसकी बनी होती है? टेंडन्स किसकी बनी होती हैं ये बताना है हमें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। केवल कोलेजन तंतुओं की बनी होती हैं। कंडरा टेंडन कोलेजन तंतुओं की बनी होती हैं, सिर्फ ओनली कोलेजन फिलामेंट्स की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरों में मोच किसके कारण होती है? पैर कई बार हम ध्यान से नहीं रखते हैं तो अगर पैर थोड़ा घूम जाता है तो उसमें मोच आ जाती है, तो किसकी वजह से आती है भैया? उसका कारण है कि लिगामेंट्स टूट जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्नायु लिगामेंट्स के टूटने के कारण पैरों में मोच आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 17 नंबर, किसके बिलयन में रखने से अस्थि पर लगे पेशी तंतु आदि घुल जाते हैं? मतलब कौन से बिलयन में हम बोन्स को रखें कि उसमें लगे हुए पेशी तंतु घुल जाएं, तो कौन सा सोल्यूशन होगा वो? चलिए आंसर देखते हैं इसका। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड QH के सोल्यूशन में अगर हम बोन्स को रखते हैं तो उसके तंतु उसमें क्या होंगे? डिजॉल्व हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, स्नायु लिगामेंट्स में होते हैं, लिगामेंट्स में क्या होते हैं ये बताना है हमें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पीले एवं श्वेत तंतु होते हैं, येलो एंड वाइट फिलामेंट्स होते हैं स्नायुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, कंडरा किसको जोड़ती है? कंडरा किसको जोड़ती है ये हमें बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कंडरा किसको जोड़ती है? कंडरा आपकी पेशी को हड्डी से जोड़ती है। पेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? कंडरा टेंडन्स पेशी को हड्डी से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, स्नायु किसको जोड़ता है? देखिए दोनों का डिफरेंस अभी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। स्नायु जो होता है वो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, जबकि कंडरा टेंडन्स क्या होती है? वो पेशी को हड्डी से जोड़ती है। यही दोनों का डिफरेंस। लिगामेंट क्या है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, जबकि कंडरा पेशी को हड्डी से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21, मास्ट कोशिकाएं किस में मिलती हैं? मास्ट कोशिकाएं किस में मिलती हैं आपको बताना है। तो मास्ट कोशिकाएं हमारी संयोजी ऊतक में मिलती हैं। मास्ट कोशिकाएं किस में मिलती हैं? संयोजी ऊतक में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, मास्ट कोशिकाएं किस
प्रकार पदार्थ का श्रावण करती हैं। तो मास्ट कोशिका किस प्रकार पदार्थ का श्रावण करती हैं आपको बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सीरोटोनिन, हिपेरिन एवं हिस्टामिन के द्वारा मास्ट कोशिकाएं पदार्थों का श्रावण करती हैं।